धरना करने वाले ही व्यक्ति थे, लेकिन धरना के साथ पसरना भी जान गए हो और अन्ना अन्ना करके आए थे। 2013 से 2019 तक जिन्ना पे आ गए। दिल्ली सबकी है, इसके बाप का नहीं है, केजरीवाल के बाप का दिल्ली नहीं है। वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ जाके वहाँ खड़े होते हैं। देखिए, जब अंत समय आता है ना तो बुद्धि सबका जगता है। चुनाव के पहले बोला था ना, इसकी बोल आया था कि लोग 20 रुपए का टिकट, 200 का टिकट लेते हैं और आके यहाँ 2 लाख आपकी इलाज कराते हैं। ये भी तो हरियाणा से 20 रुपए का टिकट लेके आया था, यहाँ पे सीएम बन गया। जो जेएनयू के लोगों के साथ जाके इंसान खड़ा होता है वो कभी देश का भला कर सकता है? दिल्ली के जनता के भी जब आप जाइएगा ना तो जनता का जो गुस्सा है वो सीधा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ना बिजली ना पानी, बिजली इन्होंने फ्री किया 200 यूनिट, क्या होता है उससे? जो रेंटर यहाँ पे, जो पूर्वांचल के वासी है, पूरा पूर्वांचल का एरिया है, मैं आपको बता दूं, नजफगढ़ से पकड़ के हम विकासपुरी विधानसभा में रहने वाले हैं। विकासपुरी सबसे ज्यादा पूर्वांचल का सबसे बड़ा सीट है यहाँ दिल्ली का। वहां पे आप जाके विकास का थोड़ा उनका देखिए काम, ना आपको रोड मिलेगा, ना आपका सीवर मिलेगा, ना आपका नाली मिलेगा, हर एक काम पे भी पहले वहां के विधायक है महेंद्र यादव। मैं आपको बता दूं पूरे 5 साल में क्षेत्र में कितने बार गए हैं, वहां की जनता आपको बताएगी। देखिए, जब अंत समय आता है ना तो बुद्धि सबका जगता है। 4 साल से सोए थे, मैंने अभी तक उनको धरना नाम दिया था, लेकिन 4 साल उनको देखते देखते जाके धरना, वो धरना करने वाले ही व्यक्ति थे, लेकिन धरना के साथ पसरना भी जान गए हो। एक चीज बता दूं, ये जो झाड़ू होता है ना, ज्यादा दिन नहीं चलाया जाता। घर में भी आप लेके आते हैं ना, कितना दिन, 2-4 महीने चलता है ना। अबे 4 साल चला लिया, 5 साल, 4 साल तो नाटक किया, 5वें साल में लोगों को थोड़ा फ्री का मिठाई उठाई दिया। अब चाह रहा है उस लॉलीपॉप पे, ये बंदा इतना झूठा है जितना, मतलब दुनिया में कोई खोजिएगा तो इसका नौटंकीबाज इसका जैसा कोई नहीं होगा। गूगल में सर्च करो, दुनिया सबसे नौटंकीबाज नेता का नाम जानते हैं तो केजरीवाल है। ये आपसे हमसे पूछिए, एक सवाल और है मेरा, बताइए भाई। कहते हैं जो पूर्वांचल बिहार के लोग आते हैं 500 रुपए लेके आते हैं और यहाँ से, देखिए मैं आपको बेसिक मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ चुनाव का। मैं बिहार से हूँ, बिहार के छपरा के रहने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो चुनाव के पहले बोला था ना, इसकी बोल आया था कि लोग 20 रुपए का टिकट, 200 का टिकट लेते हैं और आके यहाँ 2 लाख आपकी इलाज कराते हैं। ये भी तो हरियाणा से 20 रुपए का टिकट लेके आया था, यहाँ पे सीएम बन गया। दिल्ली किसकी है, मैं पूछा दिल्ली किसकी है? 1948 में जब लोग यहाँ बसना चालू हुआ, लोग जहाँ तहाँ से आए यहाँ बस गए, तो उनकी बबौती थोड़ी हो जाएगी? दिल्ली सब पूरा देश का है, देश की राजधानी है, सर्वदलीय लोग यहाँ रहते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं। दिल्ली सबकी है, इसके बाप का नहीं है, केजरीवाल के बाप का दिल्ली नहीं है। देखिए मैं आपको सीधे बता दूं, पिछले बार उन्होंने जो विकास का रोड मॉडल दिखा के अपना चेहरा जनता के बीच में लाए थे, अब बेनकाब हो गए हैं। क्लियर तरीके से मैं आपको बता दूं, अब जनता समझ चुकी है फ्री के लालच में कुछ नहीं होने वाला है। देश राष्ट्रवाद की तरफ, एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। और इस बार दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुका है, आने वाले दिन में भाजपा की सरकार बनेगी स्पष्ट रूप से। आप जब 11 तारीख को मतगणना का आपके पास आएगा रिपोर्ट, आप देखिएगा। विपक्ष के नेता कहते हैं भैया CNRC का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पास मुद्दे नहीं है। देखिए ना, NCR NPR आज का नहीं है, अगर आप जानते होंगे, आपको संविधान के बारे में कुछ पता होगा, आज से नहीं है। ये राजीव गांधी का टाइम से जब बना था उस टाइम भी असम में हुआ था लागू, आपको पता है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ जाके वहां खड़े होते हैं और ऐसे जनता के बीच में। इन्हीं का दिल्ली का डिप्टी CM टीवी डिबेट पे बैठ के बोल रहा है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, हम जेएनयू के साथ खड़े हैं। सिसोदिया जी की बात कर रहा हूँ, क्या आप उस पे जनता की भरोसा कर सकती है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक रिपोर्टर हैं, आपका दायित्व तो बनता है जनता के बीच में जो सच्चाई है उसको सामने लेके आए, आप उसको दिखाएं। जो जेएनयू के लोगों के साथ जाके इंसान खड़ा होता है वो कभी देश का भला कर सकता है? इनका कहना था कि हम सत्ता में आएंगे, पूरा मैनिफेस्टो आप उनके वेबसाइट खंगालिए एक बार, सारे वेबसाइट से जो पिछले विधानसभा वाइज पूरा लिस्ट डाटा था उनको उन्होंने हटा दिया है। क्यों हटाए हैं? क्योंकि वो काम पूरा नहीं किए हैं। अब जनता उनसे पूछेगी तो सारे वेबसाइट सब कुछ खाली कर दिए हैं। मैं 2013 में ये पार्टी अन्ना आंदोलन से जागृत हुई थी, मैं आपको बता दूं, और ये अन्ना अन्ना करके आए थे। 2013 से 2019 तक जिन्ना पे आ गए।